आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी है। और क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आलू मैंने लिए हैं 1/2 kg और इसको इस तरह से क्यूब्स में काट के मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के बॉयल कर दिया था। और बॉयल करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से जो है ठंडा कर दिया है। 4 स्लाइस लिए मैंने ब्रेड के और उसके अंदर मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्चें और इस तरह से ब्लेंडर में डाल के मैंने उसका बारीक सा चूरा बना दिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिए पिसा हुआ जीरा, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिए काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ खुश्क धनिया और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है धड़ा मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, क्योंकि नमक इसमें ही मैंने ऐड किया था इसलिए मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन जूस। अब सबसे पहले जो है आलूओं को मैं हाथ से ही मैश कर लूँगी और उसके बाद ये सारी चीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इस तरह से हाथ से हम आलूओं को मैश कर देंगे। आलू जो है मैंने मैश कर दिया। अब इसके अंदर मैं ये जो ब्रेड का चूरा है ये ऐड करूंगी सारा। लेमन जूस, मसाले सारे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए व्यूअर सारा मसाला जो है मैंने आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल जो है हम हाथों को लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा हाथ में इस तरह से लेके आलूओं को इस तरह से हम बॉल जो है वो तैयार कर देंगे। ये देखें इस तरह से सारी तैयार कर लेंगे हम। ये देखें व्यूवर्स बॉल्स हमारी जो हैं वो सारी तैयार हो गई हैं। अब जो है इनकी कोटिंग के लिए मैं बैटर तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है मैदा 3 टेबल स्पून और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं। अब सबसे पहले मैदे के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये देखिए व्यूअर्स बैटर जो है हमारा वो तैयार है। उसको हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना, बस इतनी इसकी जो है हमें थिकनेस चाहिए। अब हम एक बाउल लेंगे और उसको इस बैटर के अंदर इस तरह से एक बाउल को इस तरह से बैटर के अंदर डाल के उसको अच्छे से मैदे की कोटिंग करेंगे और फिर उसको यहाँ से निकाल के हम ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है डाल देंगे। फिर एक और बाउल लेंगे इस तरह से अब इसके ऊपर जो है हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और ये देखें अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा दिए हैं। इस तरह से दूसरी बॉल को भी लगा लेंगे हम। और ये देखें एक और बॉल तैयार होगी। अब इस तरह से सारी बॉल्स को जो है हम मैदे की कोटिंग करके और इस तरह से ब्रेड क्रम्स में डिप करके तो उसको रखते जाएंगे प्लेट में। ये देखें व्यूअर्स बॉल्स को जो है मैंने मैदे की कोटिंग करके और ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिया है। और इधर ऑयल भी जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम ये बॉल्स जो हैं ये फ्राई करेंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं ये बॉल्स जो हैं ये ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि ऊपर से बहुत जल्दी इनको कलर आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमने जो है इनको फ्राई करना है ताकि इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आए।
अब इतनी मैं डालूंगी, बकाया बाद में ऐड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, बॉल जो है वो फ्राई हो रही है। अब इनको थोड़ा सा साइड चेंज करेंगे इनकी। ये देखिए व्यूअर्स, पोटैटो बॉल्स जो हैं वो हमारी तैयार हैं। तो अब इसको मैं निकाल दूंगी। और ये देखिए कलर कितना अच्छा है इनको। अब ये जो बाकी बच गई थी इनको मैं फ्राई करूंगी। देखिए व्यूअर्स, ये वाली बॉल्स भी जो है वो रेडी हैं। अब इनको मैं निकाल दूंगी और मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी। ये देखें व्यूअर, जबरदस्त सी हमारी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स जो हैं वो तैयार हैं। तो ये बच्चों के लंच के लिए एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आप इसको अपने मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।